था कॉलेज की ये उन दिनों की बात, जब दोस्तों ने दी थी डेयर कि जाके पूछ उस लड़की से कि किसका पीरियड है अब डेयर। वह थी पहली मुलाकात, हाँ थी पहली मुलाकात। नीतू भास्कर लविशा थे मेरे साथ, उन्होंने कहा था कि लड़की तेरे लिए नहीं है सही, पहली दूसरी पटाले दूसरी बर्बाद तुझे ये कर देगी। भोली सी सूरत आंखों में चश्मा, साला पता नहीं था धीरे धीरे वो दे रही थी सदमा। धीरे धीरे बात करना हो गया था उससे शुरू, सोते हुए को जगाते हैं चलते हुए को भगाते हैं, ये दोस्त है ना यार सबका पता लगाते हैं, सारा सिस्टम यही बनाते हैं और फील्डिंग यही जमाते हैं। इसी दौर की बात है, एक लड़के से मांगे उसके नंबर, हाँ वो भी कहने लगा मैं किसी गर्ल के नंबर बॉय को नहीं दे सकता, सीधे मांगे भाई ने उसके नंबर उस लड़की से ही। मना कर दिया लड़की ने, क्यों दूँ तुझे नंबर, सटक गई तेरे भाई की। सला खोल दिया चिट्ठा, सब बता दिया कौन है किससे है तेरा रिश्ता। इस दौर मैं हो गई बॉन्डिंग खतरनाक, एक उसका मैं और मेरी वो, एक रंग के कपड़े पहनते हम दो। दौर चलता गया दोस्ती में और गहरी हो गई, पहली बार कुछ समझ आया जब गले लगकर वो रोई। प्यार भरी उन बातों में भटक गया मेरा ध्यान, एक्सीडेंट हो गया बच गया पाल पाल लड़ना चली जाती जान। खुना खुन होकर जब गया उसके पास, रो रही थी ऐसे जैसे हूँ मैं कोई खास। उस दिन से पहले अपन भी थे भाई सख्त, पिघलते नहीं थे कभी क्योंकि चढ़ी नहीं थी ना चर्बी। जो वो गले लग कर रोई तो उतर गई सारी चर्बी, गले लगकर जब वो रोई तो उतर गई सारी चर्बी, पिघल गई गर्मी। कुछ तो एहसास था ये खास, पर पता नहीं क्या हो रही थी यह बात। बदल गई इन द एक रात, क्योंकि उस रात के बाद हुई नहीं कभी 6 दिन तक बात। तड़प तड़प कर दिल ने वो आँ भरी थी, ऐसा क्या हुआ यही बात दिमाग में चल रही थी। बातें हो गई बंद, ना SMS ना कॉल ना कोई मुलाकात। बीते दिन खुले कॉलेज और बीत गई कई रात। एक दिन कॉलेज में गया मैं तो बैठी थी कुछ लड़कों के साथ, मैंने सोचा तो होंगे दोस्त कोई खास, पर जैसे ही घुसा इन द गेट अचानक बोली वो ब्लू बैग। यही सुनते ही दिमाग अपना गया कि सक भाई बात तो ये श्योर है, मैटर था अपना फिक्स। भाई था अपना हिम्मत, आया तो आ गई अपनी जान। वो बोला खत्म कर देंगे लौंडे अपनी भी ये पहचान, लट्ठे पड़ा ऊपर तू बोल तो सही पहुंचा देंगे शमशान। कुछ नहीं किया मैंने देखी उनकी औकात, वो भी साले कम नहीं थे पेल रहे बातों में बात। उस दिन कर लिया फैसला कि ये लड़की है काम की नहीं, अपने अपने हो गए ब्रह्मचारी लगे राम नाम जपने। भूल गए उसको बुला दिए सपने, एक दिन रोती बिलकती हुई आई मेरे सामने और लगी माफ़ी मांगने। अपने भी थे शक्ति में दिखा दी प्रभु की भक्ति, अपने भी इग्नोर किया पर हो गए वाती। शाम को देखा घर जाकर तो दे 40 मिस कॉल, कॉल उठाया रोने लगी वो कहने लगी सॉरी। अपन भी ना किसके थे किसके थे, पिघल गए उसकी बातों में दे दी माफ़ी। इस सारे किस्से के बाद हुई और गहरी दोस्ती, उससे दोस्ती करनी थी एक भूल, दिखा गई अपनी औकात साली नाकूल। क्या उसकी फीलिंग है मुझे नहीं पता, पर अचानक सब कुछ बदल करके लगा दिया सदमा। सुना है अब हो गई है उसकी शादी, है अब एक फियोंसे से।